हम जब इसके ऊपर एडसेंस लोडिंग करते हैं तो हमारा जो एडसेंस है वो बैन हो जाता है, वो डिसेबल हो जाता है। तो फिर जब मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरीके से करते हैं, किस वे को, किस मेथड को यूज़ करके इसके ऊपर जो है वो आप लोडिंग करते हैं, तो तब मुझे पता चला कि वो भाई कह रहे हैं Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, कल और परसों मैंने दो वीडियोज़ बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको helllink.me के बारे में बताया था कि आप किस तरह से उससे जो है वो एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं और साथ में उसी एडसेंस के ऊपर आप लोडिंग कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मुझे कुछ कमेंट्स देखने को मिले जो सेकंड पार्ट मैंने डाला, उसमें ये था कि भाई हम जब इसके ऊपर एडसेंस लोडिंग करते हैं तो हमारा जो एडसेंस है वो बैन हो जाता है, वो डिसेबल हो जाता है। तो फिर जब मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरीके से करते हैं, किस वे को, किस मेथड को यूज़ करके इसके ऊपर जो है वो आप लोडिंग करते हैं, तो तब मुझे पता चला कि वो भाई कह रहे हैं कि मैं फलां ब्राउज़र को यूज़ करते हुए इसके ऊपर लोडिंग करता हूं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले एडसेंस की एक अपडेट आई थी जिसमें उन्होंने जो है इस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था। कोई भी आप अगर आप नॉर्मल किसी से भी प्रॉक्सी लेते हैं, यानी अगर आप प्रॉक्सी लेके उससे वर्क करते हैं, तब भी आपको बैन पड़ जाता है। वो क्यों पड़ता है और आपको किस मेथड को, किस वे को यूज़ करना चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको हमारा यूट्यूब चैनल देखने को मिल रहा है, और ये दो वीडियोज़ हैं जो मैंने डाली थी, एक फर्स्ट पेज वाली थी और एक एडसेंस लोडिंग गेट फ्री एडसेंस फॉर लोडिंग वाली थी। अगर आपने इन दोनों को वॉच नहीं किया, आपको नहीं पता इनके बारे में, तो आपने इनको देख लेना है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, और आज की वीडियो वाला पार्ट 3 है। तो वैसे तो ये पार्ट नहीं रहने वाला था, बट मैं थोड़ा सा बिजी भी था, मैंने कोई इतना ज़्यादा काम भी नहीं किया इसके ऊपर, क्योंकि मेरे दोस्त की शादी है, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर पाया। सो इसके ऊपर भी हम काम कंटिन्यू करेंगे, बट इसको भी मैंने पार्ट के अंदर ऐड कर दिया जिस तरह का मुझे कमेंट देखने को मिला। तो अब करना क्या है, यहाँ पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आप जिस वेबसाइट के बारे में बात करने वाले, जिनको नहीं पता वो वीडियोस देख सकते हैं, हम इस वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। यही लुक आपकी वेबसाइट की रहने वाली है, इसी के ऊपर आपको अप्रूवल मिलेगा। बहुत ज़्यादा शॉकिंग यहाँ पे जो है ये वाला मोमेंट होता है कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे हम खजल खुआर हो जाते हैं इतनी ज़्यादा आर्टिकल्स डाल के। तो ये वेबसाइट्स का और एडसेंस का आपस में लिंक होता है। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से कम्प्लीट करनी है, उसके बारे में मैंने इस वेबसाइट के बारे में आपको बताया था, जिसका नाम neon.today है। तो इसके ज़रिए आप जो है वो ले सकते हैं। इसके क्रेडिट्स किस तरह से आपको 8 से 10 रुपये में मिलेंगे, उसके ऊपर भी मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, पार्ट 2 वाली, तो आप इसको भी वॉच कर सकते हैं। सो जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि जब हमें यहाँ से एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर एडसेंस लोडिंग किस तरह से करनी है, अब मेन क्वेश्चन होता है, और यही क्वेश्चन हमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उलझन में डाल देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, या फिर वो VPN का यूज़ करते हैं, या तो वो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, या यहाँ पे वो क्या करते हैं कि वो RDPs वगैरह यूज़ करते हैं। बट गाइस, ये तीनों चीज़ें आजकल जो है वो नहीं काम कर रही। एक और काम भी करते हैं कि नॉर्मल किसी भी जगह से प्रॉक्सी बाय कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जो है वो नहीं चलने वाली, क्योंकि एडसेंस जो है इन सब एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट कर लेता है ना, आपका एडसेंस जो है वो बैन कर देता है, डिसेबल कर देता है। राइट नाउ हमारा जो है वो लैपटॉप ओपन है हमारे सामने, सो यहाँ पे अभी करना क्या है, जब आपको इस चीज़ को, इस स्टेप्स को, इन बातों को आपने समझना है कि आपने एडसेंस लोडिंग करनी कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट चीज़ आपने जो है वो कोई सा भी नॉन डिटेक्टेबल यहाँ पे ब्राउज़र ले लेना है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको 5 से 6 ऐसे ब्राउज़र्स बताए हैं जो डिटेक्ट नहीं होते एडसेंस से। बट वो किस सूरत में डिटेक्ट नहीं होते, अब लोग देखते हैं हाँ फलां बंदा जो है वो ये वाला ब्राउज़र बता रहा है, लेट्स सपोज शाम भाई जो है हमें वो ओपेरा का बता रहे हैं। अब ओपेरा का जो मैं बता रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने सेटिंग बताई है, बकायदा उसके अंदर आपने प्रॉक्सी लगानी होती है। लोग सुनते हैं हाँ भाई ओपेरा का बता रहे, ठीक है, वो जंप कर देते हैं, फिर वो अपना एडसेंस होता है या कोई भी यहाँ पे जो है वो चीज़ होती है उसको डिसेबल करा देते हैं। अब ये जो एडसेंस लोडिंग है, ये आपको 2-3 तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आप इसको सोशल ट्रैफिक दे के यहाँ पे जो है वो इससे लोडिंग कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है कुछ इसके ऊपर ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लेके जानी होगी। अब ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लेके किस तरह से जाएंगे, इसके ऊपर भी एक मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, बट इस वीडियो में मैं आपको वे बता देता हूँ उस वे को आपको किस तरह से यूज़ करना है।
लेट्स सपोज कोई भी एप्लीकेशन आती है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, अब आपने क्या करना है, उस एप्लीकेशन का लिंक आपने थ्रो आउट कर देना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। जब आप वो कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर अटैच कर देंगे, आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक की रील्स बनानी है और उन रील्स के अंदर आपने क्या कहना है कि फलां एप्लीकेशन जो है वो बोनस के तौर पे इतने पैसे दे रही है, साइनअप करें, बोनस लें। रील्स के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक शो नहीं करना बल्कि इनको सर्च करके बताना है। आप जब सर्च करके जाएंगे गूगल के थ्रू तो ये आपकी ऑर्गेनिक होगी ट्रैफिक। अच्छा, यहाँ पे दूसरा मेथड कौन सा है, वो ये है आपने फेसबुक का पेज बना लेना है या फिर आप इंस्टा का पेज बना लेंगे या फिर आप यहाँ पे एक और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आप टिकटॉक का जो मेथड है उसको आप इजीली कम पैसों में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आपने टिकटॉक का अकाउंट बनाना है, उसके ऊपर वही रील आपने अपलोड करनी है। रील अपलोड करने के बाद आपने किसी भी जो टिकटॉक के व्यूज़ शेयर जो है वो सेल करता हो, बट मेक श्योर कर लीजिएगा ऑर्गेनिक व्यूज़, एड्स के थ्रू व्यूज़, ठीक है। अब जो यहाँ पे टिकटॉक का जो अकाउंट होता है आपको उसमें यहाँ पे ये होता है कि एक दूसरा अकाउंट होता है, मेरे नाम उसका जो है मेरे माइंड पे नहीं आ रहा, बट वो एड्स अकाउंट होता है, उसके थ्रू आप टिकटॉक के एड्स रन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पे आपकी वीडियो अटैच कर दी जाएगी, फिर वहाँ से आपको वो 5 से 1,000 रुपये में आपको जो है वो 20 से 30,000 व्यूज इजीली आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर ये एक बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके पास टिकटॉक वाला, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना फिर आप फेसबुक की तरफ जा सकते हैं, वहाँ से सोशल नेटवर्क की जो यहाँ पे ट्रैफिक है यानी एड्स चला के आप जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। बट इसके लिए यही मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी रील्स बनानी है, वेबसाइट शो नहीं करनी, सर्च करके बताना है, और जो एड्स रन करने हैं उनमें आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, क्योंकि वो लोग जो है वो सर्च करके नहीं आते, वो रीडायरेक्ट होते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। अब ये तो एक मेथड, दो मेथड हो गया। अब थर्ड मेथड जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है उसको आपने क्या करना है और किस तरह से करना है, आपने ग्रुप बनाना है। आपको पता है आपके दोस्त करते होंगे ये वर्क, जब आप कर रहे हैं दोस्तों को बीच में लेके आना है, इन्वॉल्व करना पड़ता है, उसके लिए आपने PIA की प्रॉक्सीज बाय करनी है। यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट है, ठीक है। PIA की प्रॉक्सीज आपने बाय करनी है और ये जो प्रॉक्सीज हैं एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा होती हैं, और इनको आप फिर डिफरेंट अकाउंट के ऊपर जो वो यूज़ कर सकते हैं। ये आपने वन टाइम वाली नहीं लेनी, ये आपने तकरीबन 30 दिन वाली 7 दिन वाली लेनी है, क्योंकि जो प्रॉक्सीज सडनली काम करके और सडनली बंद हो जाती है, ठीक है, डेड हो जाती है। लेट्स सपोज मैंने प्रॉक्सी अभी ली वन टाइम वाली, मैंने उसको यूज़ किया, फिर वो जब दूसरी बार यूज़ करूँगा वो मेरे किसी काम की नहीं, वो डेड हो जाती है फ़ौरन। तो ऐसे में आपने क्या करना है, तो ऐसे में आपने जो है वो 7 से 30 दिन वाली जो वो प्रॉक्सी बाय करनी है। इस प्रॉक्सी से क्या होगा कि जब YouTube का या फिर सॉरी YouTube का कह रहा हूँ एडसेंस का जो बॉट है वो जब विजिट करने आएगा कि फलां व्यूज़ जहाँ से आया है क्या वो ऑर्गेनिक है, ऑथेंटिक है, फिर ऐसे में क्या रहता है कि आपको जब वो बॉट यहाँ पे सारा यहाँ पे आपको स्कैन करता है आपकी वेबसाइट को, आपकी ट्रैफिक को, तो लगता है हाँ भाई प्रॉक्सी जो है वो स्टिल जिस प्रॉक्सी से जिस IP से जो है वो यूज़र आया था वो स्टिल अलाइव है, तो फिर क्या करते हैं वो आपके एडसेंस को बैन नहीं करती, कोई रिस्ट्रिक्शन कोई एलिमेंट नहीं लगाते। तो PIA की प्रॉक्सी जब आप ग्रुप बना के जो है वो बाय करते हैं फिर इनको डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जो आप 7 डेज वाली या फिर 30 दिन वाली लेंगे वो 30 दिन वाली जो है वो बेहतर रहती है और ऐसे में आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे रहती है जैसे मैं अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है उनको, कोई भी एडसेंस को भी इशू नहीं है, इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इनके ऊपर आपने एडसेंस लोडिंग कुछ इस तरह से करनी है, कोई भी आपने VPN कोई भी आपने सेल्फ क्लिक वाला काम जो है वो नहीं करना। हाँ, अगर आपने प्रॉक्सी लगाई हुई है फिर जो प्रॉक्सी यूज़ करते हैं उनको पता है कि प्रॉक्सी को किस तरह से यूज़ करना है। अगर आपको नहीं पता कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो ला सकता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो इनको भी पार्ट में ऐड कर देंगे। जो वेबसाइट जो मैंने प्रैक्टिकल करके बताना है फेसबुक वाला उसी में इसको भी ऐड कर देंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी, अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अला हाफिज़, अला नेक्स्ट बार।